नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज किस्सा दिलीप साहब और इंदिरा गांधी का है। जब दिलीप कुमार ने इंदिरा गांधी को दो टूक शब्दों में कह दिया, नेहरू की बेटी अपनी हद में रहो। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको वही किस्सा सुनाने वाले हैं। दिलीप कुमार भारतीय सिनेमा के कोहिनूर कहे जाते हैं। दिलीप कुमार ने मुंबई में 98 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली और आज अगर जिंदा होते तो 100 बरस के होते। उनका करियर भले ही शानदार रहा हो, लेकिन एक मुश्किल दशक था जब उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में भारी असफलताओं का सामना करना पड़ा। सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक होने के बावजूद 1970 के दशक में जब उनकी फिल्में नहीं चली तो उन्हें बुरे दौर का सामना करना पड़ा। वो डिप्रेशन से जूझते रहे। देश में इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस का समर्थन करने के लिए उनकी आलोचना की गई और यहां तक कि उनकी दूसरी शादी की वजह से उनके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मच गई। और इन सब के बावजूद दिलीप साहब अक्सर सुर्खियां बटोरते रहते थे। और एक बार का किस्सा इंदिरा गांधी के साथ भी है। उन्होंने एक बार भरी भीड़ में इंदिरा गांधी को जबरदस्त रिप्लाई दिया था और एक गजब का किस्सा भी सुनाया था। और एक रैली के दौरान, भरी भीड़ के दौरान दरअसल ये बात हुई थी। और दिलीप साहब इसमें कहते हैं कि एक बार मैं जवाहरलाल नेहरू के साथ नाश्ता कर रहा था तो इंदिरा जी ने बीच में कहा कि कैसे पिक्चर बनाते हैं आप लोग, मैंने लंदन पेरिस में प्ले सुने हैं, फिल्में देखी हैं, कितने खूबसूरत और उम्दा हैं, ये आपकी हिंदुस्तानी फिल्मों का क्या होता है। उन्होंने आगे कहा, मैं उस वक्त काफ़ी सोशल वर्क भी चुकी करता था और लोग समझते थे कि ये फिल्म वाले हैं और इनका काम केवल नाटक तमाशा यही सब है। जवाहरलाल नेहरू को ये अंदाज़ा था, तभी वो अपनी एक तरीके से वो इतना ही रिस्पेक्ट करते थे, इतना प्यार करते थे, लेकिन एक सदन की हैसियत से मैंने देखा कि उनकी बेटी अपनी हद से आगे बढ़ रही थी और कहती हैं तुम्हारी फिल्मों में हिंदुस्तानियत है ही नहीं, ये किस किस्म की इंडस्ट्री है। 15 मिनट तक मैंने उनकी बातें सुनी और फिर कहा, आपने बहुत कुछ कहा जो सही था, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि हमारी फिल्मों में हिंदुस्तानियत कहाँ है। तो आप ये जो सब बातें कह रही हैं उसमें एक लफ्ज भी है, हिंदुस्तानी नहीं था। दिलीप साहब ने आगे कहा कि मैंने कहा कि हमारी सारी फिल्में खराब नहीं हैं, हमारे देश की सड़कें खराब हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है, हमारी कृषि खराब है। मैं समझा कि शायद ये सुनकर पंडित जी थोड़े नाराज हों, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इतनी शांति से बात नहीं करता। हम सब कुछ बना और सुधार सकते हैं लेकिन अपने कल्चर को नहीं। राम और श्याम 1967 में आई थी और हिंदी सिनेमा के बादशाह तो थे ही दिलीप साहब, लेकिन जब उनकी फिल्में एक के बाद एक धमाका करने लगी तो आलोचकों ने उन पर दोहराव का आरोप लगाया। लेकिन बंगाली में सगीना महतो और कुछ हद तक हिंदी में गोपी दोनों चूंकि साल 1970 में रिलीज हुई और चर्चा पैदा करने वाली फिल्में थी। इसके अलावा मनोज कुमार की क्रांति जो कि 1981 में आई, इससे एक मजेदार वापसी की और एक खास इंसान के रूप में नहीं बल्कि पावरफुल रोल में, जिसे बॉलीवुड की भाषा में कैरेक्टर एक्टर के रूप में जाना जाता है। दिलीप साहब ऐसे थे। और इंदिरा गांधी के साथ का वो किस्सा, और दरअसल ये बहुत शुरुआती दिनों की बात है, इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की सियासत को, हिंदुस्तान की रवायत को, हिंदुस्तान की मिट्टी को, फिल्मों को इतनी बारीकी से समझती नहीं थी उन दिनों। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और दिलीप साहब के साथ खाना खा रहे थे और उसी दौरान का ये किस्सा है जब फिल्मों को लेकर इंदिरा गांधी ने तंज कसा और दिलीप साहब ने करारा सा जवाब देते हुए एक तरीके से ये कह दिया कि आप अपनी हद में रहिए। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।